क्या आपको पता है कि ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी बिल्लियों को चोट क्यों नहीं लगती है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि हमारे पेट में मौजूद एसिड मेटल को भी पिघला सकता है, लेकिन कैसे? क्या आपको पता है कि भारतीय करेंसी में 0 रुपए का नोट भी मौजूद है, लेकिन वह किस काम आता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, मगरमच्छ को पानी का सबसे खतरनाक और खूंखार जीव माना जाता है, जिसके नुकीले दांतों और घातक हमले से बच पाना किसी भी जीव के लिए आसान नहीं है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इजिप्शियन प्लॉवर बर्ड दुनिया का इकलौता ऐसा पक्षी है जो मगरमच्छ के मुंह के अंदर जा सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इजिप्शियन प्लॉवर बर्ड और मगरमच्छ के बीच बहुत ही गहरा संबंध है, जिसकी वजह से यह जीव इस पक्षी को चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। दरअसल मगरमच्छ और यह पक्षी एक दूसरे की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। जब मगरमच्छ किसी जीव का शिकार करके उसे खा जाता है, तो उस जीव के मांस के छोटे छोटे टुकड़े मगरमच्छ के दांतों के बीच फंस जाते हैं, जिन्हें निकालने का काम इजिप्शियन प्लॉवर बर्ड करती है। ऐसे में मगरमच्छ अपना मुंह खोलकर जमीन पर लेट जाता है और यह पक्षी उसके मुंह के अंदर जाकर दांतों में फंसे हुए मांस को निकालकर खा जाती है, जिससे उसका भी पेट भर जाता है। इस तरह एक दूसरे की मदद करने की वजह से मगरमच्छ और इजिप्शियन प्लॉवर बर्ड के बीच अच्छा तालमेल बना रहता है। जबकि यह चिड़िया सबसे खूंखार जीव के मुंह से हर बार सही सलामत बाहर निकल आती है। फैक्ट नंबर 2, अनचाही प्रेगनेंसी या फिर खुलकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए कपल्स कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यौन संक्रमण का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि कॉन्डोम आधुनिक युग की देन है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि कॉन्डोम का इतिहास कई सौ साल से भी ज्यादा पुराना है और दुनिया का पहला कॉन्डोम इंग्लैंड के कूड़ाघर में खोजा गया था, जिसे सन 1642 में बनाया गया था। हालांकि ऐतिहासिक युग में इस्तेमाल किए जाने वाले कॉन्डोम को जानवरों की चमड़ी से बनाया जाता था, जो अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने में काफी कारगर साबित होता था। वहीं बदलते समय के साथ कॉन्डोम को रबर समेत अन्य फैब्रिक से बनाया जाने लगा, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि कॉन्डोम आधुनिक युग की देन है। इन कॉन्डोम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा रोम, इटली और मिस्र के राजाओं द्वारा किया जाता था, जो एक साथ कई रानियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। फैक्ट नंबर 3, आज के समय में ऑनलाइन फूड ऑर्डर का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को घर बैठे ही खाना मिल जाता है। लेकिन कुछ डिलीवरी बॉय इस सुविधा का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटते हैं और ग्राहकों को झूठा भोजन सर्व कर देते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों की सेहत और विश्वास के साथ बड़ी आसानी से खिलवाड़ कर दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला साल 2017 में चीन से सामने आया था, जब एक डिलीवरी बॉय ने ग्राहक को सूप के बजाय पेशाब सर्व कर दिया था। दरअसल वैलेंटाइन डे के मौके पर एक कपल ने ऑनलाइन सूप ऑर्डर किया था, जिसे घर पहुंचाने का काम एक डिलीवरी बॉय को दिया गया, लेकिन उस डिलीवरी बॉय ने रास्ते में ही सूप पी लिया और खाली डिब्बे को अपने पेशाब से भरकर कपल के घर पर डिलीवर कर दिया। इसके बाद जब कपल ने सूप का डिब्बा खोला, तो उन्हें पेशाब की तेज गंध आई और उन्होंने गुस्से में रेस्टोरेंट के मालिक को फोन करके शिकायत दर्ज की। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद डिलीवरी बॉय ने कपल को कॉल करके माफी मांगी और शिकायत वापस लेने की रिक्वेस्ट की। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि वह सूप के पैसे दे देगा, लेकिन कपल को डिलीवरी बॉय की हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, लिहाजा उन्होंने शिकायत वापस नहीं ली और डिलीवरी बॉय को अपनी घटिया हरकत के लिए जेल जाना पड़ा। इस घटना के सामने आने के बाद चीन में ऑनलाइन फूड ऑर्डर की संख्या में भारी गिरावट आ गई थी, क्योंकि लोगों को डिलीवरी बॉय की नियत पर शक होने लगा था। फैक्ट नंबर 4, आज तक आपने नदियों और समुद्र में मौजूद पानी का रंग नीला ही देखा होगा, जबकि कुछ नदियों का पानी गंदगी की वजह से काले रंग का हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी गुलाबी रंग की नदी या झील देखी है? अगर नहीं, तो हम आपको बता दें कि इस अजीबोगरीब झील को देखने के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद लेक हिलियर का पानी नीले नहीं बल्कि गुलाबी रंग का है। यह गुलाबी झील 15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैली हुई है, जो 250 मीटर चौड़ी है। दरअसल इस झील के पानी में एल्गी, हेलोबैक्टीरिया और माइक्रोब्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। ऐसे में जब यह दोनों चीजें आपस में मिल जाती हैं, तो एक खास तरह का रिएक्शन होता है। इसी रिएक्शन की वजह से लेक हिलियर के पानी का रंग नीले के बजाय गुलाबी हो जाता है, जिसे दूर से ही देखा जा सकता है। भले ही यह झील दिखने में खूबसूरत लगती हो, लेकिन इसका पानी समुद्र के पानी से कई गुना खारा और सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए लेक हिलियर के आसपास पर्यटकों को जाने की इजाजत नहीं है। इसे बस दूर से ही देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 5,
एक देश से दूसरे देश या शहर जाने के लिए लोग एरोप्लेन से सफर करते हैं, जिसके लिए उन्हें एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिहाज से चेकिंग से होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान कई लोग गैर कानूनी रूप से गोल्ड, ड्रग्स या फिर पालतू जानवर को छिपाकर ले जाने के जुर्म में पकड़े जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी कॉकरोच को छिपाकर ले जाने वाले कपल के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि कॉकरोच को गैर कानूनी रूप से ले जाने वाला यह कपल चीन का था, जिसे चीनी पुलिस ने एयरपोर्ट पर पकड़ा था। दरअसल साल 2017 में एक शादीशुदा कपल बैग के अंदर 200 कॉकरोच को भरकर ले जा रहा था। तभी चेकिंग के दौरान अधिकारियों ने बैग में मूवमेंट कर रहे कॉकरोच को देख लिया। इसके बाद जब कपल का बैग खुलवाया गया तो उसके अंदर से ढेर सारी कॉकरोच बाहर निकले। इसके बाद जब उस कपल से पूछताछ की गई तो आदमी ने बताया कि उसकी वाइफ इन कॉकरोचों का इस्तेमाल करके फेस पैक बनाना चाहती है। इसके लिए उन्होंने 200 कॉकरोच खरीदे और उन्हें फ्लाइट के जरिए ले जा रहे थे, ताकि घर जाकर उसकी वाइफ कॉकरोच का पेस्ट बनाकर उसके क्रीम के साथ मिलाकर अपने चेहरे पर लगा सके और ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत दिखे। इस कपल की बात सुनकर अधिकारियों को भी हंसी आ गई थी, लेकिन फ्लाइट में किसी भी जिंदा जानवर को ले जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए उस कपल को कॉकरोच से भरे थैले को एयरपोर्ट पर ही फेंकना पड़ा, जिसके बाद उन्हें फ्लाइट में चढ़ने की इजाजत दी गई थी। चीन के लोग खूबसूरत दिखने के लिए चेहरे पर कुछ भी लगा सकते हैं या फिर उसे खा सकते हैं। फैक्ट नंबर 6। आज तक आपने पुलिस और सेना में कई विभिन्न जानवरों को काम करते हुए देखा होगा, जिसमें कुत्ते से लेकर हाथी, ऊंट और कबूतर शामिल होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी आर्मी में भालू को शामिल किए जाने वाले किस्से के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड के सैनिकों को इटली के जंगलों में एक भालू का बच्चा मिला था। उस भालू की मां को जंगली कुत्तों ने मार दिया था, जिसकी वजह से वह बच्चा अपनी जान बचाकर पोलैंड आर्मी के सैनिकों के कैंप तक पहुंच गया था। ऐसे में एक सैनिक ने उस भालू के बच्चे को अपना पालतू बना लिया और उसका नाम वोजटेक रख दिया, जिसके बाद वह भालू का बच्चा पोलिश आर्मी का अहम हिस्सा बन गया। पोलैंड के सैनिकों ने वोजटेक को ट्रेनिंग दी, जिसके बाद उसे ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट शिप में पोस्टिंग दे दी गई थी। अपने कार्यकाल के दौरान वोजटेक सेना के जवानों के साथ एक कतार में खड़ा होता था, जबकि अपने सीनियर्स द्वारा दिए गए कमांड का पालन भी करता था। वोजटेक ने आर्मी में रहने के दौरान एक सिपाही की तरह काम किया था और वह भारी भरकम सामान की ढुलाई करता था। इसके साथ ही वह अन्य सैनिकों की तरह बंकर में ही सोता था। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने तक वोजटेक को सिगरेट और बियर पीने की आदत भी लग गई थी, जबकि वह सैनिकों के साथ बिल्कुल किसी दोस्त की तरह रहता था। हालांकि युद्ध खत्म होने के बाद वोजटेक को एडिनबर्ग जू को सौंप दिया गया था, क्योंकि किसी भी सैनिक को उसे अपने साथ घर ले जाने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में लंबे समय तक पोलैंड की सेना का हिस्सा रहने के बाद वोजटेक को विदा कर दिया गया, जिसके बाद उसने अपनी आगे की जिंदगी चिड़ियाघर में ही बिताई थी। फैक्ट नंबर 7। इतिहास में एक से बढ़कर एक खूबसूरत राजकुमारियां रही हैं, जिन्होंने अपने रंग रूप से राजाओं के दिल पर राज किया था। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी राजकुमारी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने शादी करने के लिए अजीबोगरीब शर्त रखी थी। हम यहाँ मंगोल वंश की राजकुमारी खुतियोन की बात कर रहे हैं, जिनका जन्म सन 1260 में हुआ था। राजकुमारी खुतियोन बचपन से ही लड़ाई, तलवारबाजी और कुश्ती करने की शौकीन थी, इसलिए उन्हें सजने सवरने का कोई शौक नहीं था। ऐसे में जब राजकुमारी बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी खुतियोन ने शादी का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए शर्त रखी कि जो लड़का उन्हें कुश्ती में हरा देगा वह उसी से विवाह करेंगी। ऐसे में कई देशों के राजकुमार राजकुमारी से शादी करने के लिए कुश्ती के मैदान में उतरे, लेकिन कोई भी राजकुमारी खुतियोन को हरा नहीं पाया। ऐसे में राजकुमारी खुतियोन को अपनी शर्त की वजह से आजीवन कुंवारा रहना पड़ा था, क्योंकि कोई भी राजकुमार या राजा उन्हें कुश्ती में नहीं हरा पाया था। ऐसे में राजकुमारी जीतती चली गईं और उनसे कुश्ती में हारने वाले राजकुमारों को 100 घोड़े भेंट में देने पड़ते थे, जिसकी वजह से राजकुमारी ने अपनी एक ताकतवर सेना खड़ी कर ली और अविवाहित रहकर राजपाट संभाला था। फैक्ट नंबर 8। आज तक आपने 100, 500 या 2000 का नोट तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीय करेंसी में 0 रुपए का नोट भी मौजूद है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस अनोखे नोट को अमेरिका में प्रोफेसर की नौकरी कर रहे भारतीय मूल के नागरिक सतेंद्र मोहन भागवत ने तैयार किया है, जिसका मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करना है। दरअसल सतेंद्र ने फिफ्थ पिलर नामक एनजीओ के साथ मिलकर साल 2007 में 0 रुपए का नोट बनाया था, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि भ्रष्टाचार को खत्म करें। फिफ्थ पिलर संस्थान की माने तो भारत में हर साल 4.9 बिलियन डॉलर्स घूस और रिश्वत के तौर पर सरकारी व निजी अधिकारियों को दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से देश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुँच गया है। ऐसे में यह 0 रुपए का नोट भारत से भ्रष्टाचार को मिटाने के मकसद से बनाया गया है, जिसमें एलिमिनेट करप्शन एट ऑल लेवल्स लिखा गया है। ऐसे में जब भी कोई व्यक्ति आपसे रिश्वत मांगे तो आप उसे 0 रुपए का नोट थमाकर शर्मिंदा कर सकते हैं। हालांकि इस नोट को सामान खरीदने या व्यापार करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और न ही इसे भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी किया गया है। इसकी वजह से 0 रुपए का नोट भारतीय बाजारों में दिखाई नहीं देता है।
फैक्ट नंबर 9। हम सभी जानते हैं कि बाजार में बिकने वाला तेजाब बहुत ही खतरनाक होता है, जो किसी भी चीज को पिघलाने या त्वचा को जलाने का काम करता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंसान के पेट में भी एसिड की मात्रा पाई जाती है, जो किसी भी तरह की चीज यानी मेटल तक को आसानी से पिघला सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इंसान के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जिसकी मात्रा 0 से 14 पीएच के बीच होती है। ऐसे में 0 से 7 पीएच लेवल वाला एसिड बहुत ही खतरनाक होता है, जो मेटल से बने पदार्थों को भी आसानी से पिघला सकता है। वहीं 8 से 14 पीएच नॉन एसिडिक होता है, जो विभिन्न खाद्य पदार्थों को पचाने में मददगार साबित होता है। हालांकि इंसान के पेट में पाया जाने वाला एसिड मेटल की चीजों को पूरी तरह से पिघलाने में सक्षम नहीं होता है, बल्कि यह उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मुख्य रूप से शरीर में पाए जाने वाले जिंक और मैग्नीशियम को पिघलाने या तोड़ने का काम करता है, ताकि शरीर के सभी अंगों को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा व पोषक तत्व प्राप्त हो सके। फैक्ट नंबर 10। अगर कोई इंसान या जानवर 2 से 3 मंजिल की बिल्डिंग से नीचे गिर जाए, तो यकीनन उसे चोट जरूर लगेगी या फिर उसकी 1-2 हड्डियां टूट जाएंगी। लेकिन वहीं अगर हम बिल्ली की बात करें, तो इस सजीव को कितनी भी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी चोट नहीं लगती है। दरअसल बिल्ली एक बहुत ही बुद्धिमान और चतुर जानवर है, जिसकी वजह से वो ऊंचाई से गिरते वक्त अपने शरीर की पोजीशन ऐसी रखती है कि वह जमीन पर बहुत ही सावधानी के साथ लैंड हो जाती है। जब कोई बिल्ली ऊंची बिल्डिंग से नीचे छलांग लगाती है, तो उसके शारीरिक आकार की वजह से फोर्स कम हो जाता है। इस वजह से बिल्ली जब जमीन पर गिरती है, तो वह एरिया बहुत बड़ा होता है और बिल्ली को खुद को सही सलामत जमीन पर लैंड करने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है। यही कारण है कि बिल्ली को ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी चोट नहीं लगती है, क्योंकि वह जमीन पर पहुंचते ही अपने पैरों का इस्तेमाल स्प्रिंग की तरह करती है और बिना चोट खाए जिंदा बच जाती है। बिल्ली के अलावा कोई दूसरा जीव ऐसा नहीं है जो अपने शारीरिक आकार, फोर्स और पैरों की पोजीशन के बीच सही तालमेल बैठाकर ऊंचाई से छलांग लगाकर भी जिंदा बच जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।